दोनों कलर जो है ब्राउन ब्राउन, और वो जो है एकदम ऊपर साइड चला गया। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो मैं ट्राई करने वाली हूँ कलर लेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब नहीं फर्स्ट टाइम है, इसे सेकेंड टाइम। मेरे एक एक्सपीरियंस रह चुका है इसके साथ एंड बहुत भयंकर एक्सपीरियंस था। मतलब आपके आईज, नोज, ईयर, ये सब वो सब पार्ट है जिसका सबको भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आई थिंक आई पर्सनली थिंक सो, अगर एक बार वो गलती और मिस्टेक हो गई ना जो नहीं होना चाहिए थी, लाइफ टाइम रिपीट रह जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ आई लेंसेज को, और वो भी कोई चीप ब्रांड्स के तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। बट या आई थिंक काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, लगाते हैं, और वो भी काफ़ी टाइम के लिए नहीं, जैसे कि मंथली आता है, मंथली डिस्पोजल कर सकते हैं, या फिर आप डेली डिस्पोजल कर देते हो, या फिर ईयरली आता है। कुछ अच्छे ब्रांड्स होते हैं जिसका आई लेंसेज यूज़ कर, क्योंकि आई लेंसेज जो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, आईज बहुत कूल लगते हैं। इनफैक्ट आपको जो भी लुक होता है, वो मेकअप होता है, वो सब बहुत कूल और आपके लुक को बहुत ही अच्छे से इन्हेंस करता है। बट उतना ही ज़्यादा ये रिस्की भी होता है। इनफैक्ट उसे लगाना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे आँखों में डालना है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस रहा था, जो मैंने शायद 2 साल पहले ट्राई किया था, कुछ मीशो से मैंने 100 या फिर 99 रुपीज़ के एक पेयर मैंने बाय किए थे, वो कुछ हनी ब्राउन कलर का। बट ये पहले मुझे उतना कुछ पता नहीं था कि ये मंथली डिस्पोजल होता है, डेली डिस्पोजल, ऐसे कुछ पढ़ लिया, इतने मैंने कभी सर्च नहीं किए थे, बस मंगाया था। और फिर मैंने साथ यूज़ किया उसे H&M से, मतलब तो रोज़ नहीं यूज़ करते, ऐसे कुछ था ना, बर्थडे के टाइम में मैंने मंगाया था, क्योंकि मैं चाहती थी बर्थडे में अप्लाई करूँ, तो मैंने उसे लगाया था। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट टाइम अप्लाई किया, आई थिंक वो 15-1 महीना हो चुका था, उसके बाद जब मैंने उसे लगाया था, अभी भी मैं लेंस लगाने वाली हूँ, लेकिन वो डर जो है वापस से मेरे मन में आ रहा, क्योंकि मैंने उसे अपने आँखों पे यहाँ पर लगाया, और वो जो है एकदम ऊपर साइड चला गया, और वो फंस चुका था वहाँ पे। और मैं इतनी ज़्यादा घबराहट, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो जब पलट के आँखों के अंदर चला जाएगा और वो पीछे चला जाएगा, उसके बाद तो वाह। फिर कैसे तैसे मैंने अपने आँखों से उसको खींचा वापस नीचे, इसके बाद से फिर मैंने उसे कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसका टाइम खत्म हो चुका था मेरे ख्याल से। और मेरी सबसे बड़ी ये गलती थी, जिस टाइम इसको डिस्पोज करना होता तो हम, अगर आप चीप ब्रांड का बाय करते हो ना, तो उसे कोशिश करो कि एकदम 10 से 15 दिन के बीच वाला हमें टाइम यूज़ करो। अगर वो मंथली डिस्पोजल भी है तो एकदम लास्ट स्टेज तक यूज़ करो, रिस्की हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे मेरे एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँ, सो बी केयरफुल आई लेंसेज के साथ। आई नो कि आई लेंसेज बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बट कोशिश करो कि अगर बाई करना भी चाहो तो आप अच्छे ब्रांड्स का बाई करो, थोड़ा एक्सपेंसिव सही बट अच्छा होना चाहिए। मुझे आई लेंसेज थोड़ा एक्सपेंसिव चले जाए, पर आई ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसीलिए बी केयरफुल एंड द फर्स्ट थिंग। ओके, मैंने भी कभी किसी को बताया नहीं, घर पर भी नहीं बताया, क्योंकि मेरी गलती है, क्यों मंगाया था, क्यों लगाया था तुमने। खैर, बट मैं आप लोगों को नहीं डरा रही, बस इतना कहती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बहुत ज़्यादा केयरफुल यूज़ करना चाहिए, जैसे अपने हैंड को वॉश करने के बाद आपको हैंड पे लेना है, या फिर उसे अप्लाई करने टाइम वो हल्का सा वेट होना चाहिए, बहुत ड्राई होता है तो वो उधर उधर चला जाता है। आई थिंक कुछ कुछ चीज़ें जिसका बहुत ही ध्यान रखना है, और जितना टाइम से उसे डिस्पोज करो तो बेटर हो। ज़्यादा यूज़ करने का बहुत देर तक लगा कर रखने जरूरत नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब से वो मूव हो। अगर वो आप लेंस लगा रहे हो, वो मूव कर रहा, तो वो बहुत 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 खतरनाक हो सकते, इसलिए प्लीज बी केयरफुल। बट मैं डरा नहीं रही हूँ, अच्छे से ट्राई करो, बट एकदम से श्योर मत हो जाओ कि मुझे तो बहुत अच्छे से आता है। तो मैंने फिर दोबारा से बाय किया है काफ़ी टाइम्स, तो 3 साल के वो डर के बाद मैंने दोबारा लेंस बाय किया, बिकॉज मैं यूट्यूब पर हूँ और कुछ लुक रिक्रिएट करने के लिए मुझे अपने आई पीस से लगाना पड़ेगा। थोड़ा रिस्क है, मुझे अभी भी वो डर फील हो रहा है, मैं बिल्कुल भी इसको एकदम श्योर एकदम गारंटी लेके नहीं कर सकती, बट लेट्स ट्राई कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले बारे में मेरी गलती थी, तो इस बारे में थोड़ा केयरफुल रहूँगी। इसलिए मैंने आई लेंस बाय किया था, ये शॉपसी से बाय किया है मैंने, इसमें 2 कलर का आई लेंस था, एक ग्रे है और एक ब्राउन है। तो दोनों के जो ब्रांड है वो है, एक ऑप्टिफाई का है और दूसरा ऑरिव्यू का। तो ऑप्टिफाई में ब्राउन मुझे मिला है, और ऑरिव्यू का है वो ग्रे कलर का है। तो इसके साथ साथ बस मुझे 2 लेंस किट मिले,
उसमें फोटोज में दिखा रहा था कि वो लेंस सॉल्यूशन भी देंगे, बट उसमें नहीं था। मेरे पास लेंस सॉल्यूशन है क्योंकि मैं पहले वाला थोड़ा रखा, तो मेरे पास लेंस सॉल्यूशन है। ओके ओके, सो लेट्स ट्राई ट्राई करते हैं अब। तो मेरे पास जो लेंस सॉल्यूशन है वो है मल्टी सॉल प्लस ऑल इन वन 4V एक्शन फार्मूला विथ रफ फ्री ऑप्शन। तो मैंने सब कुछ रेडी रखा हुआ बिकॉज मैं बिल्कुल भी डिश नहीं लेना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास कुछ आई टूल्स है, ये दोनों जो टूल्स है ये आई टूल्स के लिए यूज होते हैं। इस पर होता है कि आप लेंस को रखते हो और इसे अप्लाई कर सकते हो, या जैसे आप फिंगर पर रखते हो ना वैसे ये फिंगर समझ लो, और ये जो है ना लेंस को निकालने के लिए केस से, बिकॉज आजकल डिटी हैंड उसमें ना जाए इसे। तो ये दोनों भी है मेरे पास, बिकॉज वो जो सीन था मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा डर है, मैं बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती हूँ दोबारा, बट मुझे अभी काम भी कर होता है। ओके तो सबसे पहले मैं ब्राउन लेंस को स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें हाथ नहीं लगाने वाला, मेरे पास जो टूल्स है उसके भी मेन पैड जो होता है, ये दोनों जो मेन पैड होते हैं सिलिकॉन मटेरियल है कुछ, इसको भी टच नहीं करना है, तो इसका सैनिटाइज रखना चाहिए सब चीज़ों को। ओके तो इसे सॉल्यूशन से निकालने के बाद, बहुत ज़्यादा इस पर सॉल्यूशन होना ना चाहिए, नॉर्मली जितना आप इसे डिप करके निकालो इजीली, और उसके बाद उसे थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड के गैप के बाद मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये ठीक लगता है। तो ज़्यादातर लोग फिंगर भी यूज़ करते हैं जिसके लिए वो कम्फर्टेबल है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं इससे भी लगा लेती हूँ। तो सिंपल से बात है कि ऐसे आई को अपना फाड़ना है। थैंक गॉड, जो इंस्टेंट टीयर्स है वो कॉमन है, निकलते ही हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, आई को थोड़ा मूव करो, इस साइड देख लो उस साइड देख लो, कि आपको जो लेंस वो अच्छे से फिट हो जाना चाहिए आई से, वो जो है बिल्कुल आपके आई लेंस पे ही होना चाहिए। अगर भी इधर उधर मूव कर रहा है तो कोशिश करो ऐसे रिमूव करने का। ओके एक चीज़ अच्छी लगती है इसमें मुझे, टीयर आने के बाद जो नोज जो इतना रेड हो जाता है, जो पिंक हो जाता है, तो चेहरे पर खूबसूरती और बढ़ जाती है। ओके सो आई एम रियली हैप्पी, मैंने एक साइड अप्लाई करे, पर अभी मुझे काफ़ी सारे ट्राई करना बाकी, वो डर है अभी भी मन में। ओके तो सबसे पहले मैं श्योर हो जाती हूँ कि मेरे आई जो है वो मूव कर रही हो, लेंस जो वो परफेक्टली अपनी जगह पे हो, वो थोड़ा आई रेड रेड भी हो जाता है, सब होते हैं, इसलिए जैसे ज़्यादा टेंशन लेने, काफ़ी डेंजर पार्ट है ये सब। ओके सो आई थिंक द कलर इज रियली ब्यूटीफुल, इनफैक्ट मेरे स्किन पर शूट कर रहा है, राइट। तो मैंने आप लोग से एक बात और शेयर करी, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ लेंस लगा रहे नहीं बता रहा हूँ, देखो लेंस मैंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, और मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समझा है कि जैसे सपोज आपने क्या किया कि आपने लेंस डाल दिया इसमें, इसको आपने माना कि टाइटली पैक करके रख दिया, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेस भी होती है कि आपका लेंस किट जो वो टाइटली पैक होना चाहिए। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपने लेंस सॉल्यूशन डाला, लेंस डाला और उसके बाद आपने सोचा कि हाँ मैंने पैक कर दिया, बट स्टिल ये लीक कर रहा होता है, और उसके बाद इसका सारा सॉल्यूशन निकल चुका होता है और सिर्फ बच जाती है लेंस, और वो लेंस जो है मतलब धीरे धीरे ड्राई हो जाएगी, बिना सॉल्यूशन की जो लेंस हो जाएगी वो लेंस मतलब तुरंत ख़राब हो गई है। आपने इसको कितना देर के लिए छोड़ा मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई तरह की प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए मैं तो सीधा बोलूँगी फेंक दो उसको, बिकॉज वो जो पानी से निकल चुका है वो लेंस ख़राब हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसको बिल्कुल पानी चाहिए, उसको सॉल्यूशन चाहिए उसके रहने के लिए, अगर वो निकल चुका है तो वो ख़राब हो चुका है, इसलिए इस बात से कोई रिस्क मत लेना, कोई भी रिस्क मत लेना इन सब चीज़ों से प्लीज़। ओके ठीक है, दूसरा साइड अप्लाई करते हैं, मैं इस साइड से पूरा कम्फर्टेबल हूँ, मतलब ये जो लेंस है वैसे चुप बिल्कुल भी नहीं रहा है, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैंने लगाया, बिकॉज मेरे आई थोड़ा रेड है और जो टीयर जो है इसे थोड़ा टाइम के बाद देखते हैं वो कंफर्टेबल पूरी तरीके से ऐसे लगता है जैसे आपको कुछ फील नहीं हो रहा। ओके सो नेक्स्ट, ओके फाइनली मैंने दोनों आँख में लगा ली है, दोनों आँखों में बहुत ही खूबसूरत सा लुक है, कलर जो है ब्राउन ही लिखा है सिर्फ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड थैंक गॉड अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही, इनफैक्ट
मेरा जो उतना टाइम का जो डर था, अब भी एक लेंस लगाना और बाकी, बट उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुई। बहुत ही अच्छे से लग गया और बहुत ही खूबसूरत सर लुक दे रहा है, बहुत ही आँखों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बट वही मैंने ये वाला पहले लगा ली, इसलिए उसके सारे टीयर्स ख़त्म हो चुके हैं और परफेक्टली इसके जो वो परफेक्टली ड्राई हो चुका है, जो आई रेडनेस थी वो भी ठीक हो गई। ये सारे जो है मैंने अभी भी से अप्लाई किया, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा टीयर्स है आप देख रहे हो, और आई जो है वो थोड़ा थोड़ा भी रेड है होती है, कॉमन से चीज़ें, इसलिए परेशान होने की बात नहीं। तो मेन चीज़ जो मैंने यहाँ पे की ना, वो पहले से कि मैंने अपने हैंड को, क्योंकि हैंड जो गंदे होते हैं ना वो हो जाते कितने तरीके से। इनफैक्ट मुझे डर लगता है कि सोप से करने के बाद भी क्या होता है कि सोप भी होता है ना, आँख में जलने लगता है, अगर मेरी आँख पड़ गई तो अच्छे से नहीं साफ हो तो सोप भी जलने लगता है इस पर। तो सो सबसे बेटर है, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना वो नहीं कर सकते, बिकॉज कोई चीज़ आपके आँखों में आ रहा, आप इसे देख रहे हैं, आप खुद मतलब डिस्टर्ब हो जाते, डिस्टर्ब जैसा फीलिंग होती है। आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक ये बहुत ही बेटर टूल्स है, आपके हैंड गंदे किए साफ किए, उसका मतलब अपने सिर्फ टूल्स को साथ रखना है, इसे भी आप ना सॉल्यूशन से ही साफ करो, उनसे अच्छे से पूछ लो सॉल्यूशन से। तो मेरा जो एक्चुअल रीज़न है अभी इस वक्त, वो थोड़ा सा ब्लर फील हो रहा है, जो थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मेरा एक्चुअल विजन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बिकॉज मेरे ऊपर कुछ लगे हुए प्लास्टिक से होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़का फलका, बहुत ही हल्का। किसी किसी की आँखें जो नेचुरली ऐसे क्लियर की होती है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, मतलब मैं आज थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा, हाँ भाई लग रहे हैं, क्योंकि आँखों की जो खूबसूरती है सबसे मेन चीज़ होती है आँखें। किसी के देखो उसकी आँखें का कलर डिफरेंट होता है, या फिर बड़े बड़े होते हैं, अलग तरह का अट्रैक्शन पकड़ता है ना, मतलब उसका दिल मन करता है देखते रहने का, उसकी आँखों पर नज़र जाती है, अच्छा लगता है। बट मेरी आँखें भी अच्छी लग रही है, माना पड़ेगा, नेचुरल नहीं है कोई बात नहीं, बट नहीं है, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है तो मैं ऐसे जिंदगी भर लगा करूँ, ना बाबा ना 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 ना, मुझे नहीं था लगा लिया काम से काम, बाकी उतार कर रख देना, मुझे बिल्कुल भी फालतू किसी का टेंशन लेने के लिए आने जरूरत नहीं है, कब कुछ चला गया टेंशन देखना, खुद को देखने लायक ना बचेंगे, इसलिए मैं एकदम सही बोलूँगा, मुझे बिल्कुल जी बैठ कर डर बैठा हुआ, आप लोग का एक्सपीरियंस क्या था मुझे नहीं पता, पर जो भी मेरा है इस वक्त का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कलर इज़ ब्यूटीफुल, इनफैक्ट कम्फर्टेबल जो है आई थिंक वो 9/10, बिकॉज थोड़ा विजन जो है वो थोड़ा ब्लर टाइप का लग रहा है, और जो आईज का रेडनेस और जो टीयर्स है वो भी नॉर्मल है, 9/10 बोलूँगी। किसी किसी के ऐसे होते लगाने के बाद इतने ज़्यादा आँख जलती, इतने ज़्यादा इरीटेशन फील होता है, तो वो ऐसा उसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड वन। अब चेंज करते हैं दूसरा ग्रे वाला में, सो ये है कलर, देखते हो उसमें कैसे लगती है। ओके, तो चलो मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने इसे रिमूव किया था, वो भी देख लो ताकि अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बस सिंपल से अपने हाथों को डाला और पिंच के, वैसे जो टूल से उससे निकल जाता है, बट मैं इससे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, जैसे तो यही सही है, थोड़ा सा निकल जाता है मेरे से, पकड़ में नहीं आ रहा था बट फैंडले निकल गया। नेक्स्ट, ओके, सो आ गया अपने नॉर्मल आई लुक में, जो छोटे और ब्लैक है अपने, ब्यूटीफुल से ब्यूटी विज टेम्प्रोरी, राइट। नेक्स्ट, बहुत ही हल्के से पिंच करना, एकदम टाइटली पिंच नहीं करना, आप अपने आँखों को हर्ट कर दो, और दूसरी बात कि ये जो वो टेढ़ हो जाए बिकॉज इससे बहुत हल्की चीज़ है। ओके, बहुत डर लगता है मुझे, बहुत डर लगता है, लेंस लगाई हो, नाक लाल लाल हो गया मेरा। ये वाला मैंने लगाया वो सबसे ईजी लग गया, एकदम आराम से लग गया, मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, मैं आराम से लगाना चाहती थी, तो ये वाले साइड मैंने जो लगाया बहुत ईजी लग गया, इससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था, और सबसे अच्छा से मुझे ये लास्ट वाला लगाया। इनफैक्ट इसमें भी मैं बोलूँ बहुत अच्छी लग रही हूँ, एकदम फॉरिजन ना, इंडियन नहीं लग रहे, इंडियन नहीं लग रहे, बट वही रेडनेस एंड टेयर। तो पहनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब
रियल में रोक उठे हो तब एक्ट्रेस लोग भी अगर लेंसेस पहनते तो उस टाइम बोलता डायरेक्टर शूट 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 दिल से शूट कर दो, जो रोने वाला पार्ट इसी में शूट कर रहे थे, पैक्ट था क्योंकि एकदम बिल्कुल नेचुरल, कोई एक्स्ट्रा मेकअप की जरूरत भी नहीं, नोज रेड आई रेड ऊपर से आंखों में ये पानी पानी हो गया। मुझे तो दोनों लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम ब्राउन वाला जो वो एक रियल लग रहा है ऐसा इंडियन लुक टाइप्स के लिए, ये जो आज थोड़ा बिल्कुल दूसरे देश टाइप का है वो काफ़ी सारे खूबसूरत है। तो आप लोग जो कमेंट करके बताना मुझे सच में कि दोनों में से कौन सा आई जो मेरे आप पे मेरे स्किन टोन पे और परफेक्ट फिट होता है, ठीक है, तुम जो कमेंट करके आप जरूर बताना। ओके एंड सो अब इसको थोड़ा देर में ना वेट करके मैं आपको एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस देती हूँ, थोड़ा देर में वीडियो खत्म हो जाएगा। आई नो थोड़ा ज़्यादा पका रही बट मैं सच बोल रही हूँ ये जो केसेस है लेंसेस वाला ये एक्सट्रीमली रिस्की है सर, प्लीज मेरा इस टाइम के एक्सपीरियंस पास वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत 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 वो डर जो था आई थिंक पूरा नहीं बोलेंगे इतना डर है मुझे अभी भी, वो 50% तक थोड़ा कमा है, हाँ थोड़ा डर कमाए ये चीज़ को लेके मन पर कोई डर बैठ जाता है ना उसको दोबारा करने की हिम्मत ही नहीं होती। मेरा डर है मिक्सर से, मैंने एक बार गरम मिक्सर में कॉफ़ी बनाया था, कॉफ़ी के लिए उसे घुमाना, वो गरम दूध था गरम मिक्सर में, गरम दूध में कॉफ़ी डाला के मैं उसे घुमा रही हूँ और इतने ज़ोर से फेंका मतलब चीखे भी मेरे नए निकले पूरे हाथ चले गए थे मेरे, मम्मी को पता चला तो पापा बोलेगी अकल नहीं है बेवकूफ कहेंगे, एक तो वैसे ही दर्द ऊपर से उनके डाइट का दर्द, इसीलिए चुप थोड़ा ना बोरू लिया बोरू प्रेस लगा। और अभी तक इस इंसिडेंट को शायद 2 से 3 साल हो गए होंगे, पर अभी भी अगर मिक्सर के पास में जाओ अच्छे से दबा के एकदम दूर खड़े हो कि इस तरीके से मैं ऑन करती हूँ क्योंकि मुझे अभी भी बॉड हो चुका है, कोई चीज़ अगर मन में डर बैठ गया तो वो लाइफ टाइम ही आती है, इसलिए फिर भी आपको डर मिटाना हो तो उसे एक बार और चांस दे के देखो, बट अभी केयरफुल से जरूरी नहीं। तो अब मैंने जो लिस्ट मंगाया जिस काम के लिए, मैं कुछ पाकिस्तानी मेकअप ट्यूटोरियल ट्राई करने वाली हूँ, कुछ लुक ट्राई करने वाली हूँ पाकिस्तानी एक्ट्रेस की, इसका वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी तो आप लोग देखना है ज़रूर उससे, क्योंकि अभी बिल्कुल भी नो मेकअप लुक पूरे लेंस है, मेकअप के साथ कैसे लगते हैं वो भी ट्राई करके देखते हैं। ओके सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा से पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस दिया कि बिल्कुल अपने बहन भाई समझ रहा हूँ कि उसे भी आप उस चीज़ फॉलो करना, और फर्स्ट टाइम मेरा जो लेंस जो था सेकेंड टाइम ट्राइंग जो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। इसके लिए लेंस की बात करूँ तो ये भी बिल्कुल पहले वाले लेंस के, दोनों एक अलग अलग कंपनी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला लेंस जो है ना वो थोड़ा ड्राई नहीं फील हो रहा और वो ज़्यादा जल्दी मुझ पर शूट कर गया है ये वाला लेंस, ये था ऑप्टी व्यू, ठीक है वो है ऑप्टी 5। ओके सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रही हूँ बट सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ऑन शेयर करते हो, तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सी योर नेक्स्ट वीडियो, एक नया मेकअप आएगा तो उसे देखना मत भूलना। ओके बाय।